आइए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन को लेके सॉल्व करना है। देखिए डिफरेंशिएशन फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। आइए क्या है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये दिया है इज इक्वल टू 10x + 4i कैप। ये e की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिया है। फिर आया क्या बोला, वेयर x इज इन m, मतलब x मीटर में है, एंड e इज न्यूटन पर कूलम्ब में, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम। क्या करना है, कैलकुलेट वर्क डन निकालना है जब किसी यूनिट चार्ज को 5m0 से 10m0 तक ले जाएं, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन में 5m0 से फिर 5m10m तक ले जाएंगे तो कितना हमारा वर्क डन करना पड़ेगा, यही आपको बताना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका पेपर का आया हुआ, मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप ये देखिए आपका पेपर, आपका जो है सेक्शन सी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और सेक्शन सी से देखिए, सेक्शन सी का ये है आपका फिजिक्स 2 सेट 1 क्वेश्चन नंबर 23, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 है। और सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, इसमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और किस फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में, 10 + 4i कैप, ये दिया है i कैप, ये पहले दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया है, 10x + 4i कैप, x क्या मीटर में है, e क्या है न्यूटन पर कूलम्ब में, ये वैल्यू दिया है। अब देखिए क्या सबसे पहले क्या बोला है, वर्क डन निकालना। अगर जिस बच्चे को फार्मूला वर्क डन का पता होगा वही कर सकता है। देखिए वर्क डन का फार्मूला W = पढ़े होंगे, कितना होता है V/Q, ठीक है, तो यही पढ़े हो ना, V = 10 पढ़े हो, W/Q, तो W = VQ पढ़े ही हो, समझ चलो कि ये आपने पढ़ा हुआ है। बात ये है, अब देखिए इसको समझना कैसे है, यहाँ पे हमारा देखिए, फिर से देखिए, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं ओम्स लॉ से पहले उसमें लिखा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्लास 10th में ये लिखा है, और उसमें डिफिनीशन है V = W/Q, यही लिखा इतना, ठीक है। तो अगर W बोले, वर्क डन बोले, तो V × Q होगा, या तो ∆Q भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यही लिख सकते हैं इतना। तो ये तो पता चल गया, वर्क डन का जो फार्मूला होगा V × Q होगा, इतना तो समझ जाए। पर हम लोग को क्या करना है, इस E को कोरिलेट करना, क्योंकि कोई बच्चा पेपर में, बहुत कम ही बच्चे E को रिलेट कर पाए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो बार बार आप लोग को ये बताया जाता है, देखिए ये तो यूज है ही कि बेटा आप लोग क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम सुना है ना, बस वहीं से कोरिलेट कर लीजिए, आंसर पा जाएंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में आप लोग को बताया होगा E = dV/dr और माइनस के साथ, याद आ रहा है कुछ, E = कितना होता है, dV/dr होता है, ये अगर याद है तो आपका काम बन गया, समझिए कितना होता है E = -dV/dr, याद आ रहा है। तो आपका जो वैल्यू होगा, अब dVr की मतलब यहाँ पे dr की जगह dx लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, कितना हो जाएगा आपका वैल्यू हो गया E = -dV/dx हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू होगा dV = कितना होगा, -E × dx हो गया। अब यहीं से आप क्या करोगे, माइनस ई की वैल्यू ये रही आपकी, अब तो आपके पास हो गया 10x + 4 और साथ में यहाँ आई कैप लीजिए, चाहे एक्स लीजिए, ये एक्स ले लिया आपने। अब इसको आप यहाँ से क्या है, आई कैप की वैल्यू यहाँ हो गई, मैं ये हमने क्या कर दिया, आपका ई की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दिया और आई डी एक्स भी लग गया। अब क्या करना है, इसको पहली बात यहाँ वैल्यू देख रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट जब आप करेंगे ना, तो डी वी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बाहर कर दे रहे हैं, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन बोला है 5 से, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक बोला है,
बोला है कितना, 5 से 10, तो यहाँ पे आपका 5 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ क्यों यक्स वाली वैल्यू है, हम लोग को यक्स कोऑर्डिनेट लेना, इसलिए तो यहाँ पे 10x और प्लस 4 हो गया, और यहाँ अब आई कैप हट जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यक्स का यक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस जब 4 का करेंगे तो 4x हो जाएगा, और अब यहाँ पे वैल्यू माइनस यहाँ रख दें, वैल्यू रख देना 5 से कितना आपका 10 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, जब इसको सॉल्व करेंगे आपने देखा इसको आप इस यहाँ से काट सकते हैं क्योंकि इसी के पास है, तो 5 हो गया, तो माइनस यहाँ मैं लिख दिया, और यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिए, जब आप अपर लिमिट रखेंगे यहाँ से तो 100 ये 500 हो जाएगा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यहाँ पे रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 5 जब 500 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, जब ये फिर यहाँ रखेंगे इस जगह पे तो आपका हो जाएगा ये आपका 10 4 जब 40 हो जाएगा, फिर अब माइनस लेना शुरू कर दिए, अब लोअर लिमिट शुरू करेंगे, जब ये 5 रखेंगे तो यहाँ 5 जब 25 और 5 ये 125 हो गया यहाँ माइनस में, और फिर माइनस यहाँ रखेंगे तो आपका ये 20 हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आपको वैल्यू मिल गई। अब इसको सॉल्व करना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको काट देते, ये 20 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करिए, सबट्रैक्ट करके 20 ऐड कर दीजिए, या तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ दिखाते हैं, 520 में से 125 आपको घटा देना है, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको हटा दे, 20 हटा दे तो आपका कितना हो गया, 20 ये हटा दिया, और उसके बाद 100 ये हटा दे, 20 हटा देंगे 500, 100 हटा दिए 400, 400 में से आप 5 और घटाए 395, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा -395, ये आपका हो गया, b की वैल्यू है ये भी याद रखिएगा, ये सिर्फ b हो गया, तो आपका वैल्यू कितना हो गया, ये b है, एक तरह से b की वैल्यू आप पा गए, मान के चलिए b की वैल्यू हो गई, ठीक है, कितना आ गया, b इक्वल टू -395, ये आपका b की वैल्यू है, वो भी बोल्ट में आ गया। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है इसके बाद, इसके बाद हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है वर्कडन, एक तरह से एनर्जी, तो w इक्वल एनर्जी इक्वल हो जाएगा वर्कडन इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो b इंटू क्यू हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -395 है, और चार्ज जो होगा बोला यूनिट चार्ज है तो 1 होगा, तो W की वैल्यू आपके पास आ गया 395 जूल, ये आपका पहला आंसर आ गया। और यहाँ तक आपने जो किया ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, यहाँ तक 3 मार्क्स का है टोटल, और आपने अभी तक 2 मार्क्स का किया है, तो कैसे पोस्टिंग करेंगे, हम लोग पोस्टिंग यहाँ से कर देंगे, पहली बात तो आधा नंबर यहाँ मिलेगा, ठीक है, पहली बार में, फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो सॉल्व किए होंगे यहाँ तक अगर पहुँच गए तो इसका मतलब पहले तो आप इंटीग्रेट वाले में आधा मिलेगा और आपका 1 नंबर हो गया, फिर उसके बाद अगर आप फाइनली यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ आधा कर दिया और हाफ यहाँ कर दिया, बस हो गया, तो 2 मार्क्स क्या होगा, डिवाइड हो गया, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, 2 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है, आयसन में इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपका एक एक नंबर कहीं से कटेगा नहीं, ठीक है, ये पहला वैल्यू है, आपने देखा इस तरीके से आप कर लेना, आसानी से आप कर सकते हो। अब देखिए दूसरी वैल्यू, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी सेकंड पार्ट बचा है, इसका सेकंड पार्ट देखिए हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो सेकंड पार्ट करना स्टार्ट करें, तो आइए देख लेते हैं सेकंड पार्ट, इसको मैं इरेज करूंगा तब सेकंड पार्ट इसका। अब देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये सब इरेज करेंगे, देखिएगा अब देखिएगा क्या है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन भी वही है, अब इस बार जो यहाँ पे वैल्यू है ना वो बदल जाएगी, इस बार हम लोग जो b लिखेंगे यहाँ पे db लिखेंगे वो हो जाएगा कितना माइनस, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे ना db इक्वल हो जाएगा माइनस e इंटू कितना होगा dx, ये याद रखना है, यहाँ से यही फॉर्मूला रख रहे हैं, तो हम लोग क्या रख देंगे यहाँ से 10x प्लस 4 आई कैप ये रहेगा ही, और यहाँ कितना होगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका जब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट में इसमें वैल्यू क्या बोला, कहाँ से कहाँ तक लेना है,
फाइव टू फाइव लेना है इस बार, तो यहाँ फाइव लेना और यहाँ पे फाइव लेना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो v इज इक्वल टू माइनस, यहाँ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो टेन एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा प्लस फोर एक्स आ जाएगा यहाँ से, और फाइव टू फाइव यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। फाइव टू फाइव का मतलब फाइव से लेके फाइव तक, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे v इज इक्वल टू, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सबसे पहले ये इससे काटेंगे फाइव आएगा, पाँच ऊपर से रखेंगे कितना हो जाएगा पाँच, यहाँ से रखेंगे फाइव का स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस एक सौ पच्चीस वन ट्वेंटी फाइव हो गया, फिर प्लस करेंगे यहाँ कितना हो गया बीस हो गया, फिर माइनस करेंगे फिर माइनस में एक सौ पच्चीस आ गया, अगेन माइनस करेंगे माइनस ट्वेंटी हो गया, ये पूरा कट के जीरो हो गया। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब है जब सेम रहेगा, एक तरह से हम लोग जानते हैं जब क्या होगा कोई चेंजिंग ही नहीं होगा एक स्थान से, वन प्लेस से अनदर जो है चेंजिंग नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्ट को हमारा एक जगह से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज को ले ही नहीं गए, तो इसका मतलब है इसका जो है पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल जीरो होगा वर्क डन जीरो होगा, फिर भी अगर वर्क डन इक्वल लिखना है तो हम लोग को लिखेंगे बी इंटू डी क्यू या डी क्यू ऐसे करके, तो डब्ल्यू इज इक्वल यहाँ हो गया जीरो, चार्ज हो गया वन, तो वर्क डन क्या होगा जीरो, तो सेकेंड वाले में जीरो हो गया। तो इस पर अगर डायरेक्ट दिखाना तो हाफ मार्क्स यहाँ दिखाना है, हाफ मार्क्स यहाँ दिखाना, एक मार्क्स यहाँ हो गया, टोटल दो नंबर इसमें, एक नंबर दो नंबर इसमें, टोटल थ्री मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा, ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आसानी से आप पूरा पूरा मार्क्स क्या गेन करेंगे। तो आप मिला लीजिए आप जो है क्वेश्चन पेपर कैसा किए हैं, कहाँ पर आपसे मिस्टेक हो गई, इससे ये रहेगा कि कम से कम आगे आप जानते रहेंगे हमसे कहाँ मिस्टेक हुई थी, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाएंगे अगली बार में, ठीक है, जब भी पेपर देंगे, क्योंकि जो है अभी तो पढ़ाई ख़त्म होनी नहीं है, ठीक है ना। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब आगे बढ़ के लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है,